संगड़ाह में 8 से बढ़कर 11 हुई कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या। रविवार को 3 और लोगों की आरटीपीसीआर सैंपल रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उपमंडल संगड़ाह में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो चुकी है। रविवार को मिली आरटीपीसीआर सैंपल की रिपोर्ट के मुताबिक यहां 3 और लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए लोगों में संगड़ाह के एक 47 तथा एक अन्य 48 वर्षीय शख्स के अलावा साथ लगते रेडली गांव के एक 21 वर्षीय युवक है। पिछले 12 दिनों में स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में कुल 24 लोग जानकारी के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें 11 जहां एक्टिव केस है, वहीं शेष लोग 10 दिन का सेल्फ आइसोलेशन पीरियड पूरा कर चुके हैं। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ाह डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि आज मिली आरटीपीसीआर सैंपल की रिपोर्ट के मुताबिक यहां 3 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने शेषवासियों से मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने तथा अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन लगाने की भी अपील की। एक साल बीत जाने के बावजूद संगड़ाह में इस रविवार को भी नहीं चली एचआरटीसी नाहन डिपो की बसें। सरकारी बसें ना चलने के कारण निजी बसों में नहीं हो पा रही है सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की अनुपालना। जनता कर्फ्यू अथवा लॉकडाउन के बाद से बंद हुई उपमंडल संगड़ाह में एचआरटीसी नाहन डिपो की बसें आज तक नहीं चली। इस रविवार को भी क्षेत्र में एचआरटीसी नाहन डिपो की बसें ना चलने के कारण निजी बसों में भीड़ देखी गई। करीब 90,000 की आबादी वाले विकासखंड संगड़ाह में पहले ही बसों की काफ़ी कमी है और यहां एचआरटीसी की मात्र 1.5 दर्जन के करीब बसें चलती है और निजी बसों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। इलाके में हालांकि पिछले करीब 2 माह से एचआरटीसी 16 डिपो की बसें चल रही है, मगर संगड़ाह में केवल 2 बसें 16 डिपो से पहुँचती है जबकि बाकी नाहन डिपो की बसें चलती है। बसें न चलने के कारण रविवार को दिव्यांगों तथा पुलिसकर्मियों व अन्य बस पास धारकों को ज़्यादा किराया खर्च कर निजी बसों में यात्रा करनी पड़ती है। परिवहन निगम के अड्डा प्रभारी नाहन सुखराम के अनुसार जिला में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल संबंधित अधिकारियों द्वारा उपमंडल संगड़ाह तथा जिला के कुछ अन्य हिस्सों में नियमित रूप से रविवार को बसें चलाए जाने संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। वन बूथ 20 यूथ कार्यक्रम के तहत भाजीमो रेणुकाजी मंडल इकाई ने की 2460 लोगों की मेंबरशिप। संगड़ाह में बोले भाजीमो मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकुर। वन बूथ 20 यूथ कार्यक्रम के तहत भाजीमो रेणुकाजी मंडल इकाई द्वारा कुल 2460 लोगों की मेंबरशिप की गई। रविवार को भाजीमो मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्षेत्र के सभी 123 पोलिंग बूथ पर 20-20 सदस्यों की मेंबरशिप की गई है। चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमारा वन बूथ 20 अभियान समाप्त हुआ है, जिसमें कि रेणुका मंडल के 123 बूथ में प्रत्येक बूथ में 20 युवाओं को जोड़ा गया है, यानी कि 123 बूथ में हमारे कुल जो यूथ हमारे साथ बूथ वाइज जुड़े हैं वो है 2460। 123 बूथ को मिलाकर 2460 युवाओं को वन बूथ 20 अभियान के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें कि मैं भारतीय जनता पार्टी रेणुका मंडल के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ युवा मोर्चा में जो भी पदाधिकारी है, कार्यकारी सदस्य है और जॉन प्रभारी है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा वन बूथ 20 अभियान में सहयोग दिया।